हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग की मैं शुरुआत कर रहा हूँ सुबह के 7:30 बजे। मैं अभी उठा हूँ और उठ के मैं सीधा छत में घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ पे बहुत तेज़ धूप लग चुकी है सुबह, तो अभी मैं नीचे जाऊँगा, ब्रश व्रश करूँगा, उसके बाद नाश्ता करूँगा, उसके बाद देखते हैं अगर कहीं घूमने का प्लान बनता है तो बुलबुल भी अभी उठ चुकी है। बुलबुल वैसे सबसे पहले उठ जाती है, यहाँ सबको परेशान करती है। बुलबुल क्या कर रही तू? वो देख, हैंड शेक कर, तो देख सकते हैं आप कितनी समझदार है। भाग गई। चल हम जा रहे हैं। बाय बाय बाय। अभी बुलबुल खाने में बिजी हो रखी है। बुलबुल तो बस खाती है और आलस फैलाती है। कुछ काम नहीं है तेरा। देखो इसको कितना आलस आ रहा है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं स्मार्ट बाजार के लिए। मौसी स्कूटी निकाल रही है, तो मैं थोड़ा आगे पे चलता हूँ, मौसी वहाँ पे स्कूटी लेके आएगी, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा स्मार्ट बाजार। और हम लोग घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा यहाँ वहाँ चल लेते हैं। मौसम वैसे आज धूप तो है नहीं, पर यहाँ की बारिश का पता नहीं चल रहा। कभी भी यहाँ बारिश आ जा रही है, तो हम पे कभी भी बारिश आ सकती है, वो रिस्क है बस यहाँ पे। तो चलते हैं हम स्मार्ट बाजार की ओर। तो गाइज हम फाइनली स्मार्ट बाज़ार पहुंच चुके हैं। तो हमारा एक और प्लान बन रहा था मूवी जाने का, मगर हम मूवी गए नहीं क्योंकि मैंने चेक करा था, उसमें तो फास्ट एंड फ्यूरियस लगी हुई थी, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है। तो फिर हम स्मार्ट बाज़ार ही आ गए। तो हम अभी अंदर जाते हैं और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।
अभी हम स्मार्ट बाज़ार से बाहर आ चुके हैं। अच्छा लगा हमको, पर जो हमने से पहले गए थे हम सेंट्रियो मॉल में, वो उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है, बट वैसे ठीक है यहाँ पे। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्लान बन रहा है एरोडून जाने का, तो अब हम एरोडून के लिए निकलते हैं। स्मार्ट बाज़ार वैसे अच्छा था, हमको अच्छा तो लगा, पर सेंट्रियो मॉल हम पहले गए ना, तो उसके मुकाबले हमको उतना कुछ पसंद नहीं आया। मगर छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं एरोडून में। तो देहरादून तो मैं बहुत बार आया हूं, लेकिन एरोडून में पहली बार आ रहा हूं। मौसी मुझे यहां पे लेके आई है, मतलब इसका जो नाम है एरोडून तो इसलिए पड़ा है क्योंकि एक एयरप्लेन की शेप में बना हुआ एक रेस्टोरेंट है। तो अभी हम जाते हैं इसके अंदर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। आप लोगों को बताता हूँ अंदर का सीन। तो गाइस अभी हम अपनी फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में ये उड़ने वाली है। मजाक कर रहा हूँ, ये उड़ेगा नहीं। गाइज़ हम लोग घर आ चुके हैं क्योंकि बारिश आने वाली है बहुत ज़ोर की, तो हमको घर आना पड़ा जल्दी। अभी हो रहा है दिन के खाने का टाइम, तो मैं आपको फिर शाम को मिलता हूँ। तो गाइज़ अभी 2:30 बज रहे हैं और मैं फिर से तैयार हो चुका हूँ क्योंकि हमारा अचानक से प्लान बन चुका है मूवी देखने का। हम मूवी देखने जा रहे हैं द केरला स्टोरी। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो मामा ने स्कूटी निकाल ली, हमको देर हो रही है, तो मैं चलता हूँ, आप लोगों को वहीं मिलता हूँ। तो सबसे पहले हम तेल भराने जा रहे हैं स्कूटी में, तब हमारा अभी अचानक से प्लान बना, इसलिए हमको थोड़ी देर भी हो चुकी है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकलते हैं। मैं और मामा एक स्कूटी में जा रहे हैं और मौसी अपनी स्कूटी में जा रही है। तो हम अभी सिनेमा हॉल के बाहर पहुंच चुके हैं, हम बस मौसी का वेट कर रहे हैं। मौसी आएगी तो हम अंदर जाएंगे। 3:15 का हमारा शो है मूवी का, मौसी अभी आई नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मौसी आ रही है, मौसी ने बहुत टाइम लगा दिया, तो अभी हम टिकट लेंगे और जाएंगे जल्दी, स्कूटी लगाते हैं और जल्दी जल्दी जाते हैं। मैं आप लोगों को आके बताऊंगा कि कैसी रही मूवी। तो हम लोग आए हैं न्यू एम्पायर सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए। तो हमने अपने टिकट्स ले लिए और अभी हम वेट कर रहे हैं अंदर जाने का। तो अभी हमने मूवी देख ली है और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही ख़तरनाक मूवी थी। बारे में मौसी आप लोगों को मूवी के बारे में बताएगी ज़रा। मुझे नहीं अपना पता। बहुत ही ख़तरनाक मूवी थी, आप लोगों ने अगर देखी हो तो बताना कमेंट में। फ़िलहाल हम अभी घर के लिए जा रहे हैं। गाइज मैं अभी घर पे आ चुका हूँ और ये देखिए बुलबुल बाहर पे इंतज़ार कर रही मेरा। बुलबुल क्या कर रही तू? हैंडशेक कर। वो देख कौन आया।
बुलबुल रुक रुक जा। कहाँ जाना है आपको बताओ? गाड़ी के अंदर आना है आपको? गाड़ी के अंदर आना है या बाली बाल भी खेलेगी फिर अंदर, है ना बदतमी? चल घर चला जा। चल जा घर जा। वो देखो 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 तो गाइज अभी रात का डिनर हमारा बन रहा है, यहाँ पे बन रहे हैं कोफ्ते लौकी के। ये उसकी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है और ये कोफ्ते हमारे बन चुके हैं। थोड़ी देर में ये ग्रेवी पक जाएगी तो इसमें कोफ्ते डाल दिए जाएंगे। तो मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाऊंगा कि कैसे बने हैं। तो गाइज बन चुके हैं हमारे कोफ्ते, बन के तैयार हो चुके हैं। देखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं, खाने में देखेंगे कैसे होते हैं। यहाँ पर रोटी बन रही है और थोड़ी देर में हम डिनर करेंगे अपना। चलिए बाय।